जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जी यहाँ पे सुबह के 9:30 हो गए हैं और मैं इस टाइम पे हूँ बस स्टेशन, जो कि यहाँ से मैड्रिड से लिस्बन जाएंगे पुर्तगाल, ठीक है जी, बाय बस। अल्सा करके एक बस है जो यहाँ की स्पेन की बस है, तो बस की जर्नी आपको दिखाएंगे। मैड्रिड से लिस्बन जाना है, पुर्तगाल जाना है, 8 घंटे की जर्नी है। तो स्टे विद मी, इस व्लॉग में आपको जो है बस का पूरा टूर और रास्ते में अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको दिखाएंगे। जो है ना स्पेनिश में लिखा हुआ है स्टेशन सुरदे, ठीक है जी, ये मैड्रिड का है ये स्टेशन। यहाँ से अंदर जाएंगे अभी। ये फ्लेक्स बस भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है पूरे यूरोप में। ये अल्सा बस का काउंटर है सामने, ठीक है, ये इनकी स्पेन की अपनी बस है। ये डिफरेंट डिफरेंट बसेस के यहाँ पे लगे हुए हैं काउंटर्स, और ये स्टेशन है बेसिकली। और यहाँ से आगे अभी बस की तरफ जाएंगे। तो टेम्परेचर है जी इस टाइम पे 20 सेल्सियस, सुबह के 9:30 बजे हैं और संडे का दिन है, ठीक है जी। तो ये देखें दोस्तों, ये स्टेशन हैं इस तरह, ये इनके जो है ना प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये अलग अलग कंपनीज की इस तरह बसें यहाँ बाहर खड़ी हैं। अवेंजा करके ये बस है, ये खड़ी है। तो हम लोगों ने जाना है अभी 29 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से हमारी बस है जो जाएगी लिस्बन। ये वाली अल्सा बस है जी, जो यहाँ से जा रही है दूसरी सिटीज़ की तरफ। काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी अंदर जाते हैं देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये बस है जी जो यहाँ से मैड्रिड से जाएगी लिस्बन, ठीक है जी। 8 घंटे की ड्राइव है। देखिए काफ़ी इसके नीचे बड़ा ये बना हुआ है सामान रखने का भी। बाकी अंदर से दिखाता हूँ आपको, ये ड्राइवर है, 8 घंटे ये गाड़ी चलाएगा जी। सीटें तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये ऊपर भी है सामान रखने की जगह इसमें। ये इसमें WC भी बना हुआ है, वॉशरूम। हाँ जी दोस्तों, तो अभी जो है एक रास्ते में छोटा सा ब्रेक लिया है, तकरीबन बॉर्डर है ये स्पेन का और पुर्तगाल का, ठीक है जी। तो ये बस है, ठीक है, अभी 1/2 घंटे का ब्रेक है यहाँ पे। ये एक पेट्रोल स्टेशन है, ठीक है जी, और धूप बड़ी मज़ेदार लग रही है, निकली हुई है। तो यहाँ पे जी ब्रेक लिया गया है, वाशरूम वगैरह हैं बने, और थोड़ा सा 4 घंटे के करीब तकरीबन गाड़ी चली है। तो अभी थोड़ा नीचे उतर के वर्कशॉप कर रहे हैं और धूप ले रहे हैं, बड़ी मज़ेदार धूप लग रही है। और पीछे आप व्यू चेक करो दोस्तों, मस्त व्यू है यार, लवली व्यू। ये एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, ये व्यू बड़ा मस्त आ रहा है यार। एक तो धूप निकली है, बादल भी हैं, 4 घंटे के करीब अभी जो है ना सफ़र बाकी है। ये देखो दोस्तों ऑरेंज, ये देखें ये कैसे आ गई, ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है, या खाना वाना लेके रखना है वो रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इसको ऐसे क्लोज करें, ये नीचे देखें ये स्टैंड है, यहाँ पे ऐसे पैर रख सकते हैं, ठीक है। तो सीटें भी बड़ी अच्छी हैं, बड़ी कम्फर्टेबल हैं। और इधर नीचे जो है ना यहाँ पर सीट, ये सीट के नीचे ही प्लग लगा हुआ है जहाँ पर आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। तो सही अच्छी है बस, सीटें कंफर्टेबल हैं, खुली डुली हैं, मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं साथ में। और वाईफाई का शायद मैंने अभी पूछा नहीं है इसे, लेकिन मोस्टली होता है इन बसों में वाईफाई भी, ये लोग देते हैं।
हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पुर्तगाल पहुंच गए जी, लिस्बन पहुंच गए। ये लिस्बन का बस स्टेशन है, ठीक है जी। तो अभी यहाँ से मेट्रो लेंगे और मेट्रो से जो है होटल की तरफ जाएंगे।